So hey guys, welcome to my channel Tech Vision. I'm your host, channel host Sigrid. So guys, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए ये basically एक हेडफोन है। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली अपने लिए एक ब्लूटूथ हेडफोन ऑर्डर किया था, लेकिन ब्लूटूथ हेडफोन जो है वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। मुझे एक वायर्ड हेडफोन चाहिए था, तो वायर्ड हेडफोन मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना था, तो अराउंड 500-600 रुपीज़। तो उसके रिगार्डिंग मुझे ये एक हेडफोन एक सही लगा, इसके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इसको कहा क्यों ना इसको मंगवा के देखा जाए और आपके आप सामने कुछ ओपिनियन रखे जाएं। और अगर आपको एक हेडफोन बाय करना है अराउंड 500-600 रुपीज़ और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो क्या ये हेडफोन आपके लिए है आप इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू मैं इसमें देने वाला हूँ, बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो गाइस, ये रहा हम लोग का ये हेडफोन जो कि है बोट की तरफ से आने वाला, उनका बेस बर्ड्स Q2। अगर इसके साइड में कुछ देखेंगे तो इसमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा बेस, बिल्ट इन माइक, डीप बेस एंड 3D एकॉस्टिक्स, 1 ईयर की वारंटी और बिल्ट इन माइक्रोवूफर, जिससे आपको एक अच्छा खासा बेस मिले। तो चलिए इसको निकाल देते। एक्चुअली मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था कि देखेंगे कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं, लेकिन मैं आपके लिए फेक अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और ये उसी के अंदर निकला था, मुझे पता नहीं था कि यार इसको ऐसे कैसे इसके अंदर डालते हैं, तो मैंने इसको बाहर ही रखा। तो इस डिब्बे के अंदर हम लोगों को एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है अगर आप बाय करते हैं, तो कुछ ये ऐसे देखने को मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। ये वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा, यहाँ कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग करिए। तो आप अपने जो प्रोडक्ट को है उसको रजिस्टर कर लीजिए, जिससे आप 1 ईयर की वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो इसको करते हैं साइड और निकालते हैं अपने हेडफोन को। तो इसको ओपन करते हैं, इस साइड से ओपन होगा, इस साइड से। तो गाइस, ये रहा हम लोग का हेडफोन। तो पैकिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक है यार, मतलब कि ये मैंने इसको एक्चुअली में बाय किया है 575 रुपीज़ का, और ये अंडर 600 रुपीज़, 1000 कहाँ से आ गया। ये बहुत सही है, मतलब पैकिंग ठीक ठाक से दी हुई है, बोल्ट एक अच्छी कंपनी, मैंने इसे कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ किया था इसलिए थोड़ा रिलायबल भी है, और मुझे लगा कि यार मंगानी चाहिए। तो ये कुछ देखने में हम लोग को ऐसा देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ ऐसा है, ये एक्सटेंड भी गाइस यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाता है, जिससे कि काफ़ी सही है। और कुशन्स भी गाइस बहुत सारे सही, मतलब कि कुशन्स भी बहुत प्यारे दिए गए हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी 600, मतलब कि जिस प्राइस पॉइंट में ये आ रहा है उसके रिगार्डिंग इन्होंने बिल्ड क्वालिटी मेंटेन ठीक ठाक रखी है। अगर मैं 10 आउट ऑफ, मतलब कि 10 में से कितने नंबर देना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी, तो मैं बोलूँगा 7 ठीक, मतलब जिस प्राइस पॉइंट में आता है। अगर आप बाकी हेडफोन्स को देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी उनकी ऐसे मतलब कि सेम रहती है, लेकिन इसमें इन्होंने कंफर्ट का ही काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं एडजस्टमेंट काफ़ी सारे हैं, कुशन्स भी बहुत सारे हैं, अच्छे मतलब कि अच्छी क्वालिटी के कुशन्स हैं। और आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये गोल्डन प्लेटेड जो 3.5 mm हेडफोन जैक दिया हुआ है वो काफ़ी सही है। यहाँ पर हम लोग को ये यहाँ पर बिल्ट इन माइक देखने को मिल जाता है, और ये मल्टी फंक्शन की देख मतलब बटन देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब इसको लगा करके देखते हैं और देखते हैं कि लुक्स कैसे प्रोवाइड करते हैं और साउंड क्वालिटी कैसी हम लोग को इसमें मिलने वाली है। तो गाइस जल्दी जल्दी इसे ट्राई करते हैं कि कैसा देखने को मिल जाता है। एक्चुअली इसमें मार्क दिए हुए हैं कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, सो ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो चलिए एक बार थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, जिससे कि मतलब कि चीज फिटिंग हो जाए। तो गाइस कंफर्ट लेवल काफी सही है, जैसे आप देख सकते हैं। तो आप अगर आप लुक्स देखें तो आपको कुछ ऐसा लुक्स देखने को मिलेगा, आई होप आपको प्रॉपरली दिख रहा है। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने वन साइडेड केबल दी हुई है, जिससे कि भाई अगर किसी किसी हेडफोन में दो साइड से जाते तो काफी ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग होता है, बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन इन्होंने वन साइड दिया हुआ तो काफी कंफर्टेबल है। और आप इसको अपने लैपी में अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस, और केबल की जो क्वालिटी है गाइस वो काफी सही दी हुई है। और लेंथ अगर आप देखें तो मैं आपको शो करता हूँ, ये आप इतनी देख रहे हैं मतलब काफी लंबी है, ये देखिए यहाँ से और इतनी और है, तो मतलब कि काफ़ी सही। अगर आप पीसी यूज़ करते हैं नीचे से, तो आप नीचे से करके आराम से ऐसे घूम सकते हैं, तो आपको केबल की लेंथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लुक्स आप देख सकते हैं। और कंफर्ट लेवल की बात करता हूँ गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुशंस है और एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छी दी हुई है। तो अगर कम्फर्ट लेवल की मैं बात करता हूँ तो भाई मेरी तरफ से 10 में से 8 नंबर बहुत आराम से, वो कम्फर्ट बहुत अच्छा इसमें मिल रहा है लोगों को। अब बात आती है कि साउंड क्वालिटी कैसी, तो जरा मैं अपनी मम्मी का मतलब कि डिवाइस लिया हूँ, जिससे मैं टेस्ट कर पाऊँ कि साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, और आपको थोड़ा ट्राई करूँगा
कि आपको भी कुछ समझ आए कि साउंड क्वालिटी हम लोग को इसमें कैसे देखने को मिलने वाली है। तो चलिए डिवाइस लेकर के आते हैं। सो गाइस मैंने अपनी मम्मी का डिवाइस लिया है, तो मैंने इसको इसमें प्लग इन भी कर दिया है। सो चलिए अब कुछ सुनते हैं। तो यूट्यूब आपको अपना ओपन हो जाए, यूट्यूब आप अगर जाएंगे तो आप सर्च करेंगे टेक दिग्विजय, सो वहाँ पर एक सुंदर सा चैनल होगा, जाके यार उसको सब्सक्राइब करो, ऐसे ही ऑसम कंटेंट हमेशा के लिए। तो आओ भाई कुछ सुन लेते हैं, जैसे कि क्या सुना जाए भाई। अब मेरा फेवरेट सिंगर गुरु धामा, उनके एक गाना है मेड इन इंडिया, मैं उसको सुनने वाला हूँ और ट्राई करूँ, क्योंकि उसमें बेस भी है, लिरिक्स भी है, सब कुछ है, तो मज़ा आ जाएगा उसको सुनने में। तो मैं वॉल्यूम एक्चुअली फुल करने वाला हूँ, भाई साहब मतलब कि इसके एक्चुअली में बेस बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। आपको मैं सुना करके दिखाता हूँ थोड़ा, अगर आप थोड़ा क्लियरली सुन पाए। मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो मेरे पास फिर डेफिनेटली कोई माइक नहीं है। सो आई होप आपको कुछ आइडिया लग चुका हो कि साउंड क्वालिटी, तो अगर मतलब कि अगर आप मेरे को भरोसा करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हाँ, मैं इसको अपने बोट रॉकर्स 450 से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन भाई उसके प्राइस पॉइंट भी देखोगे ना भाई, तो जस्ट दुगने से वो ज़्यादा है, तो भाई वो उससे कंपेयर नहीं किया जाता। लेकिन भाई साउंड क्वालिटी और बेस इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया है, जिस प्राइस पॉइंट में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो साउंड क्वालिटी के लिए भाई मेरी तरफ से 10 में से 9 नंबर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी से दी हुई है, तभी मुझे लगता है यार इन्होंने बिल्ड क्वालिटी से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। तो कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है। सो मैं कंसिडर करता हूँ कि 600 रुपीज़ से क्या ये बाय करना चाहिए, तो मेरी तरफ से डेफिनेटली भाई आपको इसको बाय करना चाहिए। और इसे गेमिंग रिव्यूज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना कर रखा है, तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो उनके भी रिव्यूज आप कंसीडर करिएगा। मेरे जैसे यार म्यूजिक कंजप्शन डेली वर्क के लिए बहुत अच्छा हेडफोन 600 रुपीज़ से, लुक्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे भाई डेफिनेटली, और कंपनी भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। मैंने इसे मतलब कि इसके ब्लूटूथ स्पीकर्स को भी यूज़ किया है और ईयरबड्स को भी यूज़ किया, तो उनकी भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉस्टली थे, 3-4 हज़ार रुपये के थे, लेकिन अभी यार 600 रुपीज़ से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ। अब भाई लास्ट बात आती है कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है, तो मैं आपको जस्ट लाइव में मतलब कि दिखाता हूँ आपको कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। तो मैं जरा इसमें प्लग इन करता हूँ, तो ये जो आप माइक की क्वालिटी सुन रहे हैं वो इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। आपको जैसी आ रही है मुझे पता नहीं कि आपको कैसी माइक की क्वालिटी से देखने को मिल रही है, लेकिन आपको जैसी भी आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो अब भाई जल्दी से अपने वीडियो को रैपअप करते हैं, जरा मैं इसको 2 मिनट निकाल लेता हूँ। तो रैपअप करने में क्या है कि अगर आपको 600 रुपीज़ के अंडर कोई हेडफोन चाहिए, तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेशन कि भाई इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं अगर मेरे पर भरोसा है अगर आपको, तो बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, लेकिन हाँ आपको साउंड क्वालिटी में जिस प्राइस पॉइंट ये हेडफोन मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली भाई इस प्राइस पॉइंट में अच्छे हेडफोन्स मतलब कि पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सो मतलब कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं दे रहा हूँ, आप एक बार चेकआउट करिएगा अगर आपको बाय करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया एक ही काम है यार, लाइक कर दो, 200 साझा कर दो यार शेयर अगर आपको ये पसंद आ रहा है और चाहते हैं कि तुम्हारा भाई और थोड़ा ग्रो हो पाए और अच्छे कंटेंट ऐसे ही ला पाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।